हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनाना दया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके बाल फ्रीज हो गई है, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं रहा है, उसके ऊपर से स्प्लिटन, ओ माय गॉड, बालों में अगर स्प्लिटन आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि मैं क्या ही करूँ, कैसे करूँ, मतलब कैसे इसको दूर करूँ। मैं जब बचपन में थी, टीनेज में थी, तब मैं मेरे बालों में उतना ध्यान नहीं रखना जानती थी, तो मेरे बालों में एक दो बार स्प्लिटन आई थी, तो तब मुझे याद है मुझे इतना दुख होता और इतना टेंशन हो जाता है कि मैं कैसे इसको ठीक करूँ। तो बस अगर आपके बालों में ये सब प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ बिल्कुल भी शाइन नहीं है, और इस प्रॉब्लम को लेके आप अगर पार्लर चले गए बाई चांस, तो आपको रिकमेंड ज़रूर करेगा कि आप ट्रीटमेंट करा लो, या फिर उससे भी जो और एक ट्रीटमेंट, अच्छा वाला ट्रीटमेंट होता है, महंगा वाला ट्रीटमेंट होता है, वो है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो इन दोनों ट्रीटमेंट में ही आपको एक ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेगा। तो बस आज के रिलेटेड, आज का वीडियो इसी रिलेटेड है। आज मैं बताऊँगी घर में बोटॉक्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मिनिमम रुपीज़ 50 to 70 rupees में, या फिर उससे भी कम में, ओ माई गॉड। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और ये वीडियो मैं पूरा देखना, ठीक है। तो अभी मैं पहले मेरा जो बालों का हालत था, तो वैसे वाला मतलब वो दिखा देती हूँ कि मेरे बाल कैसे थे और अभी कैसे हैं। सो मेरे बाल एकदम ऐसे हो गए थे, बिल्कुल भी मैं कॉम नहीं लगा पा रही थी, एकदम बिल्कुल भी मतलब मैनेज नहीं कर पा रही थी, और एकदम ऐसे झाड़ू जैसा हो रहा था, रफ हो गया था, बहुत ज़्यादा रफ हो गया था। तो अभी मेरे बाल ऐसे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने नहा लिया उसके बाद से मैंने कॉम नहीं किया। वैसे मैं विगो मतलब बाल जब मेरे भीगे हुए रहते हैं तब मैं कॉम टच नहीं करती हूँ, तो आज अभी तक मैंने कॉम नहीं लगाया मेरे बालों पे। बस आप देखिए, बस वो जो कल मतलब शैम्पू करने से पहले जो मैंने मेरे बालों का हालत दिखाई थी, और अभी का मेरे बालों की, बस देखो ये होता है आज। मतलब पहले आप अगर डिफरेंसेस देख लोगे, जान लोगे ना, तो आपको वीडियो के आगे जाने में भी इंटरेस्ट रहेगा, तो इसीलिए मैंने रिजल्ट दिखा दिया। सो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता क्या है, तो ये क्या एक्चुअली घर में पॉसिबल है? तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम तभी कराते हैं जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है, बाल बहुत फिजी होती है, मैनेजेबल नहीं रहता है, स्प्लिटिन होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, बहुत सारी जब प्रॉब्लम होती है, उसको उसका सॉल्यूशन है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम लोग तभी कराते हैं जब हमारे बाल बिल्कुल भी डैमेज हो जाती है, तो उस तब कराते हैं हम लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो क्या हम लोग घर पर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं, नेचर ने हमें बहुत कुछ ऐसे दिया है जो हम यूज़ करके ऐसे बालों में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे बाल मैनेजेबल रहे, ठीक रहे, हेल्दी रहे। तो क्यों नहीं घर पे, इसीलिए घर पे आज मैं बहुत ही इजी तरीकों से मैं बना के दिखाऊंगी कि आप घर में एक महंगा वाला बोटॉक्स क्रीम कैसे बनाओगे और उसको कैसे यूज़ करोगे। आज मैं वो क्रीम मैं घर पे बनाऊंगी, तो इसीलिए ऐसे नॉर्मल वाला इंग्रेडिएंट लूँगी जो आपके घर में भी बहुत ही अवेलेबल होगा। तो जो पहले मैं लूँगी वो है बनाना, उसके बाद सेकंड जो मैं लूँगी वो है दही, और थर्ड मैं जो लूँगी वो है एग वाइट, और नेक्स्ट मैं लूँगी हनी, और लास्ट में मैं लूँगी ऑलिव ऑयल। ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ इसको आपको कैसे, वो क्रीम आपको कैसे बनाने हैं, और आप जो जैसे मैंने ये इंग्रेडिएंट बोला है, वो इंग्रेडिएंट हम लोग मतलब क्यों यूज़ करेंगे, उसके अंदर ऐसे क्या है जो हमारे बालों के लिए एकदम बहुत ही एकदम परफेक्ट है, और उसके साथ साथ बोटॉक्स जैसा मतलब रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, पहले मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है, बनाना, एग वाइट, दही और ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो जो मैंने जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का मैंने लिया है, आप मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अभी बनाना क्यों यूज़ करनी है, तो पहले मैं बता दूँ, दो चम्मच मैंने करके एक बनाना लिया है, एक वाइट लिया है मैंने, दो चम्मच हनी और दो चम्मच ऑलिव ऑयल, और कर्ड मैंने 3 चम्मच लिया था। उसके बाद अगर आपके बड़े लेंथ है तो आपको मिनिमम 7 से 8 चम्मच लेनी है। तो मेरे बालों का लेंथ उतना नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। तो बनाना क्यों यूज़ करना है, क्योंकि बनाना के अंदर बहुत सारी विटामिन होती है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, नेचुरल एक स्ट्रेट मिलता है बनाना यूज़ करने से, उसके साथ साथ डैंडर्फ भी कम करता है। एग वाइट आपके बालों में खोया हुआ ऑयल को देते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी बायोटिन प्रोटीन होते हैं, जो एक कंप्लीट प्रोटीन ट्रीटमेंट होती है। अगर आप एग वाइट यूज़ करते हैं अपने बालों में, तो एक कंप्लीट प्रोटीन ट्रीटमेंट आपके बालों को मिलेगा। तो दही के अंदर फैटी एसिड होते हैं जो शाइन बनाते हैं, प्रोटीन होती है जो अगेन डैंड्रफ को दूर करता है। अगर आपके बालों में ईचिंग की प्रॉब्लम है, स्प्लिटिन की प्रॉब्लम है, वो भी दही यूज़ करने से हेल्प होता है। और ऑलिव ऑयल यूज़ करने से
बालों में शाइन आते हैं, मैनेजेबल बनाते हैं और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सो प्रोसेसिंग मैंने जैसे दिखाया है एकदम बालों की स्कैल्प से लेके लेंथ तक धीरे धीरे मतलब लगाना है। उसके बाद मैंने लगा के पूरे बालों में लगा के पॉलीथिन लगाया। तो वो क्रीम कैसे बनाना है उसका प्रोसेस देख लिया, कैसे लगाना है वो भी देख लिया और उसके साथ साथ रिजल्ट भी देख लिया है। तो अभी आपको जो करना है वो है इसको अप्लाई करना, यूज़ करना अपने बालों के लिए। तो ये कौन कौन लोग यूज़ कर सकता है? तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है, आई मीन गर्ल्स बॉयज़, यहाँ तक के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पर मिनिमम छोटे बच्चों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मिनिमम 14-15 के एज के अंदर आपके बच्चे हैं तो आप ज़रूर डेफिनेटली उसके बालों के लिए आप अप्लाई कर सकते। इसको आपको महीने में मिनिमम महीने में एक बार यूज़ करना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप दो बार यूज़ कर सकते हो तो उसका तो मतलब गजब ही होगा रिजल्ट। तो अगर आपके पास टाइम है तो दो बार यूज़ करो, दो बार बनाओ महीने में। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो महीने में आपको एक बार लगाना ही है, तो बस उसके बाद देखना आपके बाल सच में हेल्दी हो जाएगा, बालों के जो बहुत सारे आपके जो बालों में प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो बस ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूंगी मैं अगले वीडियो पे। और उसके बाद और मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, सुनंदा 92D मेरा ID है। तो बस ठीक है, मतलब अगले वीडियो में मैं देखूँगी, तब तक बाय।